वेल वेल वेल, क्या रजनीकांत की बायोपिक आ रही है भाई साहब? देखकर तो ये लग रहा है कि गंतूर कारम का ट्रेलर आ चुका है, जिसके लीड पे हमें महेश बाबू देखने को मिल रहे हैं, जो फुल कॉपी रजनीकांत स्टाइल कर रहे हैं। लाइक वो दीवार पर अखरोट मार के तोड़ना, लाइक वो विलेन के सर पे अखरोट मार के तोड़ना, और बहुत कुछ रजनीकांत जैसे स्टैंड में खड़े रहना, उनकी तरह खड़े रहना, उनका स्टाइल कॉपी करना, तो एक बार के लिए यही लग रहा है। लेकिन भाई ऐसा है या नहीं है वो मूवी देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि भाई ट्रेलर आ चुका है जो बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको फैमिली कंटेंट देने वाले हैं और एक ऐसी स्टोरी लाइन देने वाले हैं जो भाई मजा ही आ जाएगा। और जब नाम त्रिविक्रम श्रीनिवास जैसे डायरेक्टर का जुड़ा हो, जिसके हमने पहले ही ऐसे कॉन्टेंट देख चुके हैं जो भाई फुल टच करते हैं ऑडियंस को, तो भाई ट्रस्ट लेवल 1000% तो जाएगा ही जाएगा। क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेलर को रिव्यू करने वाले हैं। क्या भाई साहब हमें मूवी में मिल सकता है, और महेश बाबू की ये मोस्ट मच अवेटेड मूवी कितना प्रॉमिस कर रही है कि ये जनता को वैसा ही कॉन्टेंट देंगे, वैसे ही छाप छोड़ेंगे जैसे ये पहले भी छोड़कर आ चुके थे। तो भाई शुरुआत करते हैं, भाई साहब त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में इस मूवी को कंप्लीट करा जा रहा है, जिसका ट्रेलर बहुत ही फाड़ है। जो एज यूजुअल भाई साउथ की मूवी में जो ट्रेंड चलता है वो उड़ा उड़ा के विलेंस को मारना, गाड़ियों को इधर से उधर उड़ाना, और वो स्लो मोशन स्टाइल बार बार एंट्री देन री एंट्री, और महेश बाबू की एंट्री भाई सॉलिड लग रही है। 48 साल की उम्र है महेश बाबू की, लेकिन भाई साहब ये यंगस्टर्स को फेल कर रहा है, लाइक 24-25 साल के लोंडे लपाड़ों को फेल कर रहा है, उस हिसाब की एक्टिंग के साथ देखने को मिल रही है। दूसरा भाई एक्शन तो दवा के मिलने ही मिलने वाला है, साउथ की मूवी में एक्शन ना मिले तो क्या ही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ना एक चीज़ से है कि भाई आप अपने कैरेक्टर को इतना हीरोइक कैरेक्टर क्यों दिखाते हो, मतलब वो वाला क्या कहते हैं भगवान वाला कैरेक्टर, भाई आप मार रहे हैं और विलेंस पिटे जा रहे हैं। और भाई क्योंकि देखो मूवी तेलुगु में आनी है, ट्रेलर भी तेलुगु में आया है, बट सबटाइटल से कुछ पता लग रहा था कि भाई कहानी क्या होने वाली है। कहानी ये होने वाली है कि भाई जो महेश बाबू की मम्मा होंगी वो उसे छोड़ देती है बचपन में ही, और उसी के ऊपर भी कहानी चलती रहेगी। महेश बाबू को इनर से कोई गुस्सा या रेज जो भी होगा वो बार बार निकालने वाले हैं अपनी मदर के खिलाफ, जो पॉलिटिशियन का हिसाब किताब बैठता नजर आ रहा है उनकी तरफ से, उनकी मदर के तरफ से। तो भाई ये माँ बेटे के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है, ये चीज़ तो समझ आ रही है। दूसरा वही रियूनियन होगा, वो चीज़ चलो ठीक है क्लियर है, लेकिन भाई बीच में बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइक हमें सुपरस्टार महेश बाबू का स्टाइल दमदार देखने को मिलने वाला है, और उड़ते हुए विलेंस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई महेश बाबू जब मारते हैं तो विलेन तो उड़ेंगे उड़ेंगे, और साउथ की मूवी में विलेन ना उड़े तो भाई वो मूवी साउथ की कैसे कही जाएगी, पैन इंडिया मूवी कैसे कही जाएगी। लेकिन मूवी को सिर्फ तेलुगु में निकाला जा रहा है, हिंदी में नहीं निकाला जा रहा है। अगर हिंदी में निकालते तो शायद अच्छा खासा कलेक्शन हो सकता था, या एक बार के लिए ये भी हो सकता था कि बॉलीवुड में अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, कि आप अपने हीरो को बहुत ही ज़्यादा भगवान जैसा दिखा रहे हो और वो मारे ही जा रहे हैं और उसे कोई खरोंच भी नहीं आ रही है। तो एक बार के लिए शायद नहीं भी चलती ये मूवी, बट देख के लग रहा था कि भाई वर्ड ऑफ माउथ जो काम करता है, क्योंकि एक बार जो मूवी देखता उसके बाद जो पॉजिटिविटी रिवील आउट होती भाई वो जनता को जरूर थिएटर हाउस तक लेके जाती। भाई त्रिविक्रम श्रीनिवास की बात करें जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, इसलिए ट्रस्ट इनसे बन रहा है क्योंकि भाई सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी मूवी दे रखी है इन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ, अला वैकंठा पुरुमालो मूवी दे रखी है अल्लू अर्जुन के साथ, जिसकी स्टोरी एज यूजुअल टिपिकल है बट समझ में भी आती है और कनेक्ट भी करके जाती है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। दूसरा अल्लू अर्जुन जैसे स्टाइलिश स्टार भाई ये फैमिली कॉन्टेंट के लिए ही बने पड़े हैं, और वही चीज़ भाई महेश बाबू भी करते नजर आ रहे हैं। एक मूवी आई थी भाई, ये भी त्रिविक्रम श्रीनिवास ने ही डायरेक्शन दी थी इसको, जिसमें बहुत ही फाड़ लेवल की लव स्टोरी हमें देखने को मिली थी। सामंता रुथ प्रभु और नितिन के मेन लीड पर ये मूवी को डायरेक्ट किया गया था या फिर बनाया गया था। तो भाई उस चीज़ से भाई यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार गंतूर कारम भी दमदार होने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेलर भाई प्रॉमिस कर रहा है कि भाई हम आपको सॉलिड कंटेंट देंगे। ट्रेलर आपने देख लिया तो आपको कैसा लगा? भाई मैंने देख लिया, दैट्स माय रिव्यू। और महेश बाबू के आप कितने बड़े फैन हैं? क्या इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था वो भी आप बता के जाना, क्योंकि कुछ टाइम बाद डबिंग में तो हमें देखने को मिल ही जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।